जब भी हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम कुछ एबल जनरल्स के बारे में जानते हैं, जनरल बार सिंह, जनरल भूप सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल भूप सिंह के बारे में। हमारी जनता उनके बारे में बहुत कम जानती है, इसी के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान जी के पास जनरल भूप सिंह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ताकि हम थोड़े से अवेयर हो सकें। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो सर, जनरल साहब के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे, कैसे एनलाइटन करेंगे? देखिए, जनरल भूप सिंह जो थे वो कठुआ के पास कोई गांव है, शायद वो एक अपनी वो रख है, उसको मेरे ख्याल में बही नाला है या आगे करना तरना नाला है, उसके बगल में कोई गांव है, तो वहां के रहने वाले थे। ठीक। और महाराजा की फोर्स में आगे वो आगे चले और जनरली अपना जनरल जोरावर सिंह की फौज के अंदर वो भी उनके साथ एक टुकड़ी के कमांडर थे। और उन्होंने बहुत बहादुरी के काम किए। उनके किस्से बहुत मशहूर हैं कि उनको लद्दाखियों ने गुमराह भी किया बीच में कहीं पे, उनको आउटस्मार्ट करते हैं, आउटफ्लैंकिंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं, कि उन्होंने बोला कि ये पहाड़ी इलाके में आ रहे हैं, इनसे ये तो डोगरा प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं, इनको क्या पता है इसके बारे में। धोखा दिया, कुछ किया, उनको ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, पर उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और वो हर जगह विनर ही रहे। पर जो उनकी बात में आप आज आपको उनकी किस्सा जो बताने वाला हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि महाराजा आए उनकी दौरा करने के लिए, भाई मेरे ट्रुप्स आ गए हैं, तो महाराजा भी आगे जाते थे भाई हम उनके ट्रुप्स का मोराल बढ़ाएं। तो ये जनरल भूप सिंह की जब पलटन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा जनरल भूप सिंह जनरल है और कपड़े सारे फटे हुए ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि जनरल के कपड़े ही फटे हुए हैं तो सिपाहियों के तो नेचुरली फटे ही होंगे। तो महाराजा को बड़ा दुख लगा, इसे ये क्या बात है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बहुत मुश्किल थी उस वक्त, इलाके दुर्गम थे, वहां पे रसद पहुंचाना मुश्किल था, तो रोटी नहीं जा रही थी, एमिनेशन नहीं जा रहा था, कपड़ों की कहां बात आती है। तो वहां पे महाराजा को बड़ा हुआ, उन्होंने बोला आज के बाद मेरी फौज के जितने जनरल हैं उनकी जो वर्दियां हैं वो मैं लूंगा। वर्दी मतलब कि वो नई वर्दी यूनिफॉर्म को ब्रिटिश तरीके से उन्होंने डिजाइन करवाया, फिर उनके तमगे लगाने हैं, क्या क्या लगाना है करके वो सारा रेडी बनाया। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं आज सबका आपकी भी यूनिफॉर्म वगैरह आएगी। तो जनरल भूप सिंह ने क्या बोला, और महाराजा को बोला सर आप जाइए, महाराज आप जाइए और हमें वर्दियों की जगह आप हमें एमुनेशन में जाइए, हमें उसकी ज्यादा जरूरत है, या हमें हथियार भिजवाइए, हमें रसद भिजवाइए, वर्दियां इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट था जो उस आदमी के कैरेक्टर को बताता है कि और वो कहां कहां कपड़े फटे हुए हैं, 16,000 फुट के ऊपर सब जीरो टेम्परेचर, बर्फ जमी हुई है, तो वहां पे उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए ठंड में, तो ये बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी। और जब वो महाराजा उसको बोल रहे हैं कि देखिए गलती मेरी है कि आपके पास रसद नहीं पहुंची है, किसी भी कारण से नहीं पहुंची, अब मैं यकीन करूंगा, बोले हमें कपड़े नहीं चाहिए, हमें हथियार दीजिए ताकि हम दुश्मन से लड़े, वो ज्यादा जरूरी है, और हम दुश्मन से लड़के अपनी जो सीमाएं हैं, जो हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करें। तो ये थे जनरल भूप सिंह, उनकी जिंदगी का एक छोटा सा अंश मैंने आपको बताया। अगर जनरल भूप सिंह जैसे एबल वॉरियर हमारे पास नहीं होते तो जम्मू कश्मीर जो आज हम देख रहे हैं वैसा नहीं होता। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से ही आज हम यहाँ सक्सेसफुली बैठ के उनके बारे में बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही और हमारे लीडर्स के बारे में, हमारे वॉरियर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नए एपिसोड में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।